जहाँ जहाँ बवासीर का इलाज का नज़र आ रहा है ना, अब उनका इलाज हम करना शुरू करेंगे। आप इस वक्त शारे फैसल पे जाएंगे, किसी सियासी जमात का आपको झंडा नज़र नहीं आ रहा। उस तमाम झंडों को हमने हटाया है और स्टार्ट हमने अपनी सियासी जमात से किया। इलेक्शन हुए, ज़माना हो गया है, लेकिन वो बिलबोर्ड पे उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, उन लोगों की जो अपने आप को कराची का मसीहा कहते हैं। कंप्लीट इंतज़ामिया यकसोई के साथ आपको काम करते हुए नज़र आएगी, ताकि जो माफिया है ना, जो कि पानी बेच रहा है, इनके खिलाफ अब जंग लड़ेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ इलीगल कनेक्शन है, इलीगल हाइड्रेंट है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमने ऐसी डिज़ाइनिंग की है इसकी कि वो विजुअल इमेज ऐसी आएगी कि आप उस बिल्डिंग को भी छुपा पाएंगे, उसके फसाड को भी छुपा पाएंगे, और ऐसी लैंडस्केपिंग करेंगे जो कि प्लीजिंग होगी, और पूरे शारे फैसल पे आपको एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी, ताकि अपने शहर का एक खूबसूरत मुस्बत इमेज शो कर सके। जो शख्स भी हमारे शहर में दाखिल होता था एयरपोर्ट से, वो शिकायत ज़रूर करता था कि सड़क अच्छी है, लेकिन सड़क पर खूबसूरती नज़र नहीं आती। सड़क के कचरे को तो साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जगह जगह लैंडस्केपिंग का फुकदान है, कहीं ग्रिल टूटी हुई है, कहीं फुटपाथ टूटी हुई है, कहीं पेवर निकले हुए हैं, कहीं वॉल चॉकिंग हुई हुई है। बवासीर का इलाज, ज़ियाबतीस का इलाज, महबूबा आपके कदमों में, कहीं गुटके की पान की पिचकारियाँ हैं। तो हुकूमत सिंध ने सोचा कि कराची तो रोशनियों का शहर, रोशन ख्याल लोगों का शहर है, ये वो इम्प्रेशन नहीं है जो हम अपने मेहमानों को कराची के हवाले से देना चाहते हैं। तो फैसला किया गया कि क्यों ना, ये तकरीबन कोई 14 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो कि कराची एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और मेट्रोपोल होटल पे ख़त्म होता है, जिसमें केएमसी की हदूद भी है, आपके टाउन्स की हदूद भी है, दो कंटोनमेंट बोर्ड्स की भी हदूद है। तो क्यों ना इसको खूबसूरत किया जाए, क्यों ना इसको ब्यूटिफाई किया जाए, और क्यों ना इसका एक मास्टर प्लान लेकर चलें, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन अपने शहर का, शहर की आवाम का दे पाएँ। मैं हुकूमत सिंध का शुक्रगुजार हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पैसे मुख्तस किए, और हमने प्रोक्योरमेंट करने के बाद आज तय किया था कि 10 जुलाई से इंशाल्लाह इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, और टारगेट हमारा ये है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाएगा, ताकि अपने शहर का पॉजिटिव इमेज हम लोगों के सामने उजागर कर सकें। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब आप कराची एयरपोर्ट से निकलते हैं बाहर, तो आपको सामने फरकनास की बिल्डिंग नज़र आती थी, और वो एक फसाद उसका बड़ा ख़राब था, डेंटर पेंटर वहाँ पर मौजूद थे। तो जो शख्स कराची दाखिल होता था, उसको कराची ऐसा नज़र आता था। तो अब हमने ऐसी डिज़ाइनिंग की है इसकी कि वो विजुअल इमेज ऐसी आएगी कि आप उस बिल्डिंग को भी छुपा पाएंगे, उसके फसाद को भी छुपा पाएंगे, और ऐसी लैंडस्केपिंग करेंगे जो कि प्लीजिंग होगी, और पूरे शारे फैसल पे आपको एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी, ताकि अपने शहर का एक खूबसूरत मुस्बत इमेज शो कर सके। आप इस वक्त शारे फैसल पे जाएंगे, किसी सियासी जमात का आपको झंडा नज़र नहीं आ रहा। उस तमाम झंडों को हमने हटाया है और स्टार्ट हमने अपनी सियासी जमात से किया। पीपल्स पार्टी के झंडे भी थे, हर किसी का हक है कि वो सियासी तकरीब करे, झंडा लगाए, लेकिन फिर तकरीब के बाद झंडा उतार दे। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ होता ही है कि आज इलेक्शन हुए, ज़माना हो गया है, लेकिन वो बिलबोर्ड्स पे उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, उन लोगों की जो अपने आप को कराची का मसीहा कहते हैं। सिटी काउंसिल इसकी करारदाद पास कर चुकी है कि वॉल चॉकिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और मेरी डीसी साहिबान से, एसपी साहिबान से बात हुई है। अनकरीब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ बवासीर का इलाज का नज़र आ रहा है ना, अब उनका इलाज हम करना शुरू करेंगे। जहाँ कहते हैं ना महबूबा आपके कदमों में, तो महबूबा का तो नहीं पता, लेकिन कानून आपके आस पास अब आ जाएगा, और मैं समझता हूँ ये हमें करने की ज़रूरत है, ताकि ये कुछ लोग अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने के लिए शहर को जो ख़राब करें ना, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम सब का शहर है, हम सबको इस शहर से मोहब्बत है। आप देखेंगे कि कंप्लीट इंतज़ामिया वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर बल्दियात ने अहकाम दिए हैं, कंप्लीट इंतज़ामिया यकसोई के साथ आपको काम करते हुए नज़र आएगी, ताकि जो माफिया है ना, जो कि पानी बेच रहा है, इनके खिलाफ अब जंग लड़ेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ इलीगल कनेक्शन है, इलीगल हाइड्रेंट है,
उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ताकि वो पानी आम शहरी को मिल सके, और इसी तरीके से कराची की पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए।